नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अक्टूबर रविवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। धौलपुर जिले के सेपोह पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बरा में मतगणना के बाद विजय प्रत्याशी को घर पहुंचाने जा रहे पुलिस एवं प्रशासन की टीम पर हारे हुए 2 प्रत्याशियों के समर्थकों ने पथराव कर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा मतदान केंद्र पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई। सैकड़ों की तादाद की भीड़ को देख कर पोलिंग पार्टी ने मतदान केंद्र के अंदर गेट बंद कर छुप कर जान बचाई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव एवं फायरिंग भी कर दी। डिफेंस में पुलिस ने भी हवाई फायर कर दिए। उपद्रवियों ने मतदान केंद्र में पुलिस कर्मी की 1 बाइक को आग लगाकर वह 3 बाइक को तोड़ दिया। पुलिस एवं प्रशासन को जैसे ही मामले की खबर लगी तो हड़कंप मच गया। जिला मुख्यालय से एवं अन्य पुलिस थानों से भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिन्होंने करीब 1 घंटे के बाद हालातों पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि बराह ग्राम पंचायत पर मतदान के बाद शाम को परिणाम घोषित कर दिया गया था। परिणाम में शीला त्यागी 5 मतों से विजय घोषित किया गया। विजय प्रत्याशी के घर पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद हारने वाले प्रत्याशी भगवान देव कुशवाहा व उनके समर्थक मतदान केंद्र पर पहुंच गए और हंगामा करते हुए पथराव करना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर जिले की सदर थाना पुलिस ने क्रिकेट बुक्की पर 2 कार्रवाई करते हुए 10,97,000 रुपये के हिसाब किताब सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पहली कार्रवाई 26 रिद्धि सिद्धि सेकंड पर रमेश कुमार के मकान पर छापा मारा। आरोपी राजस्थान रॉयल और बेंगलुरु के मैच पर क्रिकेट बुक्की चला रहा था। पुलिस ने यहां से रमेश कुमार पुत्र लालचंद को 31,700 रुपये के हिसाब किताब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 LED, 1 मोबाइल व हिसाब किताब के रजिस्टर सहित गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई 3rd अगस्त नगर के मकान नंबर 2501 पर की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी यहां दिल्ली कैपिटल और KKR के बीच क्रिकेट बुक्की चला रहे थे। पुलिस ने मौके से प्रवीण कुमार व इसके भाई गगन कुमार पुत्र सुभाष चंद निवासी 8C18 जवाहर नगर, कमल शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी मकान नंबर 8 इंदिरा कॉलोनी हाल निवासी सद्भावना नगर कबाड़ स्टोर के पीछे, राजेश पुत्र जय सिंह निवासी नोहरगाम परलिका हाल मौजपुरा 5A सरकारी क्वार्टर फॉरेस्ट विभाग के पास, अवतार सिंह उर्फ लक्की पहलवान पुत्र संतरा निवासी 3A छोटी सद्भावना नगर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 3 चार्जर, 1 लैपटॉप, LED, 10,65,300 रुपये के हिसाब किताब का रजिस्टर सहित गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र के गुस्साईसर के पास रविवार सुबह 2 डंपरों की भिड़त हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर नापासर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को निकालकर PBM अस्पताल भिजवाया गया जहां वह उपचाराधीन है। पुलिस ने बताया कि गुस्साईसर के पास यह हादसा हुआ। हादसे में जयसिंह देसर मगरा निवासी अर्जुन राम की मौत हो गई। वहीं नौरंग देसर निवासी कालूराम गंभीर घायल हो गया। शव को नापासर CHC की मोर्ची में रखवाया गया है। घायल को PBM के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र के मौरखाना अथूना में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के शाहपुरा में चोरों ने शिव मंदिर में हाथ साफ करते हुए नकदी सहित दान पत्र चुरा लिया। सूचना पर शाहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह चोरी की वारदात शाहपुरा के देवन तिराहे स्थित शिव मंदिर में हुई। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना क्षेत्र के जोदियासी के निकट तीतरी गांव के एक खेत की ढाणी में रहने वाले चैनाराम सुथार की पत्नी नैनू कुमारी उर्फ प्रिया की टांके में डूबने से मौत हो गई। मृतका के जेठ बाबूलाल पुत्र मूलाराम सुथार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि नैनू कुमारी सुबह 11 बजे खेत में काम करने के दौरान टांके से पानी लाने गई। पानी निकालने के दौरान पैर फिसलने से वह अंदर गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने नागौर के JLN अस्पताल में मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जयपुर की आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महंगी शराब की बोतलें होम डिलीवरी करने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आर्मी की कैंटीन से बोतलें निकलवाकर होम डिलीवरी करता था, इसके बदले आरोपी महंगी कीमत वसूलता था। पीओ नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 16 महंगे ब्रांड की बोतलें और एक स्कूटी को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर जिले के उदय मंदिर थाना पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 दर्जन लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मोहनपुर पुलिया के समीप सूर्या गेस्ट हाउस पर छापा मारा गया। वहां से करीब 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने हुक्का पीते गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जयपुर जिले के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर पुलिस और दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह घटना ज्योति नगर इलाके के 22 गोदाम में हुई। समाचार लिखे जाने तक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग लगने से लाखों रुपये के कपड़े जलकर राख हो गए। धौलपुर जिले में अल सुबह बालिका को पुराना शहर से अपहरण करने की जानकारी सामने आई है। सूचना के बाद पुलिस ने नाबालिग को अपहरण कर ले जाने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को बालिका के ससुराल पक्ष के बता रहे हैं, जबकि मां बालिका की जबरन शादी करने का आरोप लगा रही है। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी बालिका को ले जाने में कामयाब हो गए। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं बालिका को बरामद करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अलवर जिले के बहरोड उपखंड के गंडाला गांव में बने मोबाइल टावर के कंट्रोल रूम में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से टावर में रखे सभी उपकरण जलकर राख हो गए। आग की सूचना पर निमराना से आई दमकल ने 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। कस्बे के नजदीक गंडाला गांव स्थित आइडिया टावर के कंट्रोल रूम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने संपूर्ण मशीनों को खाक कर दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।